नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोल्डर व्हील के बारे में। शोल्डर व्हील को लेकर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी हुई होंगी और जब भी आप मेरे पास आते हैं, क्लिनिक पर आते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को शोल्डर व्हील को यूज़ करने की एडवाइस करता हूँ, क्योंकि अगर आपको आर्म में ताकत लेकर आनी है तो शोल्डर व्हील बहुत स्पीड से काम कर देता है। क्यों करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको वो भी इस वीडियो में समझाऊंगा। तो पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि किन पेशेंट को शोल्डर व्हील का इस्तेमाल करना चाहिए। तो शोल्डर व्हील को यूज़ करने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है फिंगर्स का बंद होना। अगर आपकी फिंगर्स बंद हो जाती हैं, किसी चीज़ को पकड़ लेती हैं और आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर ग्रिप आपकी अच्छी नहीं है तो शोल्डर व्हील को यूज़ करना मुश्किल होता है। तो अगर आपकी ग्रिप है तो आप इस वीडियो को आगे देखो, अगर ग्रिप नहीं है तो ग्रिप कैसे बनेगी उसके लिए आपको साइंस संजीवनी आना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं इसको। तो आपने ग्रिप बना ली, आपके अगर हाथ नहीं खुलता तो आपने अपना उंगलियां खोली, इस पर रखी और आपने बंद कर ली। अब मेरी मूवमेंट को देखना, मैं से उठाने की कोशिश करता हूँ, पेशेंट इतना तो कर लेता है, दिक्कत इसके बाद आती है कि ये मूवमेंट में। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी सारी की सारी जॉइंट्स की, मसल्स की एक साथ एक्सरसाइज हो रही है। मेरी कलाई देखो, वो थोड़ी सी वो बेंड होती है, मेरी एल्बो वो बंद हो रही है, मेरा शोल्डर पूरा 360 घूम रहा है। यानी अगर मैं इसको करता रहता हूँ, इस तरह से करता रहता हूँ, तो मेरा शोल्डर, एल्बो, मेरी रिस्ट, फिंगर, सब की एक साथ एक्सरसाइज होती है। तो इसको करना आसान भी है, सपोर्ट भी करता है और आपको हेल्प भी करता है। अब किसी भी हम शोल्डर व्हील के बारे में बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ को टाइट करने का, यानी इसको सॉफ्ट है, इसको हार्ड करने का तरीका होता है ये पट्टा। ये इसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, इसको अगर मैं घुमाता रहूँगा, ये तो बहुत टाइट है, मुझे लगता है इसके लिए मुझे प्लास की जरूरत पड़ेगी, बट अगर हम इसे टाइट करता चले जाएंगे तो ये हार्ड होता चला जाएगा और हमारी स्ट्रेंथ में भी हेल्प करता है। तो आपने करना क्या है, ये शोल्डर व्हील बहुत आराम से ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप अमेजोन पे जाओ, सर्च में जाओ और शोल्डर व्हील को टाइप करो। जब आप शोल्डर व्हील देखोगे तो इसके जैसे दिखने वाला कोई भी शोल्डर व्हील आप ऑर्डर कर देना, ये 1200-1500 तक का बड़े आराम से मिल जाता है। आपने इसको किसी भी बिजली वाले से या लक्कड़ वाले से आपने अपने घर पर इंस्टॉल करवा लिया, सुबह उठना है, ब्रश करना है, इसके सामने आना है और घास काटना शुरू। और पेशेंट को समझाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ ये घास काटने मशीन जैसा ही है, जैसे हम इसको घुमा के घास काटते हैं वैसे ही है। तो इसको आपने इंस्टॉल किया और अपनी मूवमेंट स्टार्ट। अब इसको करते समय ना आप गिनो मत कि कितना कर रहे हो, आप टाइम देखो और अपना दर्द देखो। जब आपको लगे ना आपको दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, तब जाकर आप इसे बंद करोगे। जब तक आपको थकावट और दर्द महसूस ना हो उसे आप बंद नहीं करोगे। अब कुछ लोग इसको पूरा रोटेट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाते उनके लिए क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने इसको आगे पीछे करना है, जितना हो सके इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करो, जितना हो सके इसे पीछे ले जाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपकी रेंज बनती है। अगर आप इतना भी करते हो तो आप मेरी आर्म की मूवमेंट देखो, ये बढ़ती जाएगी। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ तक ले जाऊँ और इसको रोटेट कर पाऊँ। तो ये आज नहीं हो रहा, ये रोटेशन आज नहीं हो रही, ये सिर्फ इतनी ही जा रही है, बट ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको देखो घड़ी की तरह है। तो आपने यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ लिखा 6 और 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपने घड़ी बना ली, ठीक है। और उसके बाद देखो कि आपका हाथ किस नंबर तक जा रहा है। आपका हाथ आज 7 तक जा रहा है, कल मैं से 8 तक लेके जाऊँगा, परसों मैं से 9 तक लेके जाऊँगा। इस तरह से क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने आर्म को कितना रेज कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो बहुत स्पीड से आपकी आर्म की, शोल्डर की मूवमेंट्स वापस आनी शुरू होगी और एक साथ ही सब कुछ हो जाएगा। तो आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एक्सरसाइज रह जाती है, वो है रोटेशन वाली। वो रोटेशन वाली एक्सरसाइज किस तरह से इस शोल्डर व्हील पे की जा सकती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब मैं इसी के साथ आप सभी में चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।